दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जामुन की नई स्वादिष्ट औषधीय प्रजाति के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिक फलों फूलों फसलों को अधिक गुणकारी स्वास्थ्यकारी पोषकता से भरी औषधीय गुणों से भरी बनाने में लगे हुए हैं। वहीं भारतीय वैज्ञानिकों ने भी हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है। दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान से जुड़ी एक संस्था केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, उसके वैज्ञानिकों ने जिस नई नायाब जामुन फल की एक प्रजाति को तैयार किया है, वह मधुमेह रोग में खूब उपयोगी मानी गई है। यही नहीं, वह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरी स्वादिष्ट खट्टी मीठी जामुन है, जिसे विद्वानों ने जामवंत कहकर पुकारा है। विद्वानों का कहना है कि इस नई जामुन में कसैलापन है ही नहीं, और तो और इसमें भारी मात्रा में स्वादिष्ट गूदा है। वहीं बीज फल का मात्र 5-6% भर है। दोस्तों खास बातों की बात करें तो यह नया जामुन फल जामवंत खूब स्वादिष्ट तथा पोषक तत्वों से भरा हुआ फल है। इसका पेड़ भी अधिक बड़ा नहीं होता, वहीं फल पत्ते शाखाएं भी अधिक होती हैं। इसके जामुन फल गहरे बैंगनी रंग वाले मोटे मोटे गुच्छों में लगते हैं। दोस्तों जामवंत फल जो जामुन फल है खूब स्वादिष्ट अधिक गूदे वाला तथा आकर्षक तो होता ही है, साथ ही मधुमेह रोगियों के लिए भी खूब लाभकारी माना गया है। दोस्तों इस जामुन फल का वजन 24.5 ग्राम यानी बड़े बेर जैसा होता है। दोस्तों विद्वानों का कहना है कि यह फल जामवंत पोषक तत्वों का घड़ा यानी रिच फल माना गया है। वहीं दोस्तों इस जामवंत जामन फल के जो गुच्छे हैं वो जून माह में लगते हैं। कहते हैं कि इस प्रजाति को तैयार करने में हमारे वैज्ञानिकों ने दशकों तक कठिन परिश्रम किया है। वहीं इसकी गुणवत्ता को कितने ही पैरामीटरों जांचों परीक्षणों से परखा गया है, तब कहीं है जामुन फल विकसित हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हमने नई जो अनुसंधान है जामुन फल का जो विकास किया गया है, जिसको जामवंत के नाम से जाना गया है, वह फल उसके गुणों के बारे में हमने बात की। दोस्तों अगली वीडियो में हम जामुन के बारे में और अधिक जानकारी लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।